हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बेस फॉर योरसेल्फ। मैं हूं महबूब आलम। इस वीडियो से हम लोग शुरू कर रहे हैं कि वर्डप्रेस को यूज़ करके एक वेबसाइट कैसे बनाते हैं। तो पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि वर्डप्रेस होता क्या है। वर्डप्रेस एक CMS है, अगर आसान भाषा में बोले एक सॉफ्टवेयर, एक एप्लीकेशन है जिसे यूज़ करके आप अपना वेबसाइट बना सकते हैं। अगर आपको कोडिंग का जीरो नॉलेज भी है तब भी आप वर्डप्रेस के थ्रू एक अच्छा सा गुड लुकिंग वेबसाइट आप बना सकते हैं। वर्डप्रेस का यही काम है, आपको बिना कोडिंग के एक अच्छा सा वेबसाइट बना के देना। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि वर्डप्रेस क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि हम लोग वर्डप्रेस को यूज़ करके वेबसाइट कैसे बनाते हैं। मैं अभी फिलहाल वर्डप्रेस को अपने लोकल सर्वर पर होस्ट करने वाला हूँ एग्जाम एप्लीकेशन की मदद से। अगर आपको नहीं पता है कि एग्जाम एप्लीकेशन क्या होता है और उसे कैसे इंस्टॉल करते हैं, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया है। आप उस लिंक को क्लिक करके सीख सकते हो कि एग्जाम एप्लीकेशन क्या होता है और उसको कैसे इंस्टॉल करते हैं अपने लोकल सर्वर पर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं आपको लोकल सर्वर पर सिखाने वाला हूँ। तो इसके लिए आपको आना होगा वर्डप्रेस की वेबसाइट पर। कैसे आते हैं मैं आपको बता देता हूँ। आप अपना फेवरेट कोई भी ब्राउजर ओपन कीजिए, लिखिए वर्डप्रेस .org और से सर्च कीजिए। फिर इसके बाद से यहाँ पर wordpress.org पे क्लिक कीजिए। तो देखिए हम लोग फिर से यही वाले वेबसाइट पे आ गए हैं, इसको मैं काट देता हूँ। फिर इसके बाद से आपको डाउनलोड वर्डप्रेस पे क्लिक करना होगा। फिर इसके बाद से डाउनलोड वर्डप्रेस यहाँ पर। फिर उसके बाद से आपको वर्डप्रेस ज़िप फॉर्मेट में कुछ फाइल मिलेगा, आप उसे डाउनलोड कर लीजिए। मैं अभी फ़िलहाल डाउनलोड नहीं करने वाला हूँ क्योंकि मैंने पहले ही इसे डाउनलोड कर रखा है। ये देखिए यहाँ पर मैंने पहले ही इसे डाउनलोड कर रखा है। फिर उसके बाद से आपको इसे स्ट्राइक करना होगा, स्ट्राइक हियर। स्ट्राइक करने के बाद देखिए हम लोगों को कुछ ऐसा फाइल मिला है। फिर उसके बाद मुझे अपने लोकल सर्वर पे एग्जाम एप्लीकेशन को रन करना होगा। इसके लिए मुझे जाना होगा यहाँ पर एग्जाम। तो आप भी अपना एग्जाम एप्लीकेशन को ऑन कर लीजिएगा। फिर इसके बाद से अपाची और MySQL दोनों को स्टार्ट कर लीजिएगा। फिर इसे मिनिमाइज कर लीजिए और फिर तो ये वाला फाइल जो है आपका, इसे कट कर लीजिए। कट करके आपको जाना होगा अपने सी ड्राइव के फोल्डर में। यहाँ पर देखिए एग्जाम एप्लीकेशन का एक फोल्डर है, इसे ओपन कीजिए। फिर उसके बाद से जाइए HD डॉक्स में। फिर उसके बाद से आप अपने आसानी के लिए यहाँ पर एक फोल्डर बना लीजिए। मैं फोल्डर का नाम रख देता हूँ AB, ठीक है। और AB के अंदर मैं इस फाइल को पेस्ट कर देता हूँ जो मैंने अभी कट किया था। तो देखिए यहाँ पर ये पेस्ट हो चुका है। अब मुझे जाना होगा अपने ब्राउज़र पे। तो यहाँ पर टाइप करना होगा लोकल होस्ट। फिर इसके बाद जाना होगा PHP माई एडमिन। फिर उसके बाद से आपको जाना होगा डाटाबेस पे यहाँ पर। फिर उसके बाद से आपको डाटाबेस का नाम क्रिएट करना होगा। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, जैसे कि मैं दे देता हूँ 1 2 3 शादाब, ठीक है। और क्रिएट के बटन पे क्लिक कर लेता हूँ। अब हम लोगों का 1 2 3 शादाब नाम का डाटाबेस बन चुका है। अब मुझे जाना होगा फिर से अपने यहाँ पर लोकल होस्ट /, और आपने जो फोल्डर बनाया था आपका फोल्डर का जो भी नाम है, जहाँ पर आपने उस फाइल को पेस्ट किया था उस फोल्डर का नाम लिखिएगा। जैसे मैंने लिखा था AB मेरे फोल्डर का नाम, तो यहाँ पर मैं AB लिख देता हूँ और इसे सर्च करता हूँ। तो इसके अंदर देखिए AB के अंदर एक वर्डप्रेस नाम का एक फाइल है, इसे मैं ओपन करता हूँ। यहाँ पर मैं लैंग्वेज चूज़ कर लेता हूँ। मैं फ़िलहाल अभी इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट रखने वाला हूँ और कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पर आप लेट्स गो पे क्लिक कीजिए।
यहाँ पर आपका डाटाबेस का नाम आपने क्या रखा था आपको पता ही होगा, मैंने रखा था 123 शादाब। आप भी अपना डाटाबेस का नाम आपने जो भी रखा है यहाँ पर लिख दीजिएगा, और यूज़र नाम हमेशा होता है रूट, तो आप रूट लिख दीजिए यहाँ। फिर तो इसके बाद से सबमिट के बटन पर क्लिक कर लीजिए। यहाँ पर अब आपको अपना वेबसाइट का नाम देना है, जैसे कि मैं दे रहा हूँ बेस्ट फॉर योर सेल्फ, ठीक है। और यहाँ पर आपको यूज़र नेम देना है, आपका एडमिन पैनल का नाम क्या होगा यूज़र नेम, तो मैं यूज़र नेम दे देता हूँ महबूब 007, ठीक है। आपको अपना पासवर्ड चूज करना है, तो आप पासवर्ड चूज कर लीजिए कुछ अच्छा सा। ठीक है, यहाँ पर आप कंफर्म पासवर्ड में चूज कर लीजिए। यहाँ पर अपना ईमेल आईडी दे दीजिएगा आप, जैसे कि 123@gmail.com, ठीक है। यहाँ पर फिर उसके बाद से इंस्टॉल वर्डप्रेस पे क्लिक कर लीजिए। अब हम लोगों को यहाँ पर अपना पासवर्ड देना होगा जो हम लोगों ने अभी अभी कुछ देर पहले लिखा था, तो आपका पासवर्ड आपको याद ही होगा, तो यहाँ पर उसे एंटर कर दीजिए और लॉगिन के बटन पर क्लिक कर लीजिए। तो आप देख सकते हैं हम लोगों ने अपने वर्डप्रेस को अपने लोकल सर्वर पर इंस्टॉल कर लिया है। चलिए मैं आपको एक पोस्ट लिख के दिखलाता हूँ, आपको पोस्ट लिखने के लिए जाना होगा यहाँ पर पोस्ट बटन पे, एड न्यू यहाँ पर अपना पोस्ट का टाइटल चूज कर लीजिए, जैसे कि दिस इज अ पोस्ट, ठीक है। यहाँ पर आपको जो भी लिखना है लिख लीजिए, हेलो टुडे आई एम टीचिंग यू, चलिए मैं इतना ही रखता हूँ। और यहाँ पर आपको अगर कुछ अपने फॉन्ट के साथ कुछ स्टाइलिश करना है तो आप इसे मार्क कीजिए कुछ इस तरह से, तो बोल्ड इटैलिक क्वाइट्स, आप एक एक करके यहाँ पर चूज कीजिए आपको जो अच्छा लगता है आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद से पब्लिश बटन पर क्लिक कर लीजिए। यहाँ पर पोस्ट अब पब्लिश हो चुका है, अब मुझे अपना पोस्ट देखने के लिए जाना होगा यहाँ पर। मैं अपने वेबसाइट को एक अलग टैब में खोल लेता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा वेबसाइट का नाम आ रहा है बेस फॉर योर सेल्फ जस्ट अनदर वर्डप्रेस साइट, इसका टाइटल है नीचे का टैगलाइन, और हम लोगों ने लिखा था अभी दिस इज अ पोस्ट, हेलो टुडे आई एम टीचिंग यू, ठीक है। तो अभी तो आपको ये बहुत बेकार सा वर्डप्रेस का वेबसाइट दिखता होगा, लेकिन आप मुझे फॉलो कीजिए और मुझ पर बिलीव रखिए, हम लोग देखिएगा कितने अच्छे वेबसाइट बना सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, इस वीडियो में हम लोगों ने सीखा कि वर्डप्रेस को इंस्टॉल कैसे करते हैं अपने लोकल सर्वर पे, और हम लोगों ने एक पोस्ट ऐड किया है। अगले वीडियो में हम लोग और जानेंगे वर्डप्रेस के बारे में। आपको निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं, आप मुझ पर यकीन रखिए, मैं आपको दिखाऊंगा कि वर्डप्रेस को यूज़ करके हम लोग कितना अच्छा वेबसाइट बना सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपको इसी तरह के वीडियो बना के देता रहूँ। मैं इस चैनल पर इसी तरह के वीडियो बनाता रहता हूँ, जैसे कि वेबसाइट कैसे बनाते हैं, इंटरनेट से पैसा कैसे कमाते हैं, और भी बहुत सारे टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाता रहता हूँ। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।